हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सिटी गुरुग्राम न्यू कॉलोनी में अवैध निर्माण का काम धड़ल्ले से जारी है। ये सब हो रहा है निगम की नाक के नीचे। बावजूद इसके ऐसा लगता है कि मानो नगर निगम को कुछ पता ही नहीं। आखिर पता होगा भी तो कैसे, क्योंकि निगम पर इस अवैध निर्माण में मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। न्यू कॉलोनी में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण, निगम की नाक के नीचे बिल्डर कर रहे सारा खेल, निगम पर भी मिली भगत का आरोप, अवैध निर्माण पर शिकंजा कब? ये ऊंची इमारतें, ये रिहायशी बिल्डिंगें, कहने को तो ये इलाका साइबर सिटी गुरुग्राम के पौश इलाके न्यू कॉलोनी का है, जहां रहना हर किसी का सपना होता है। लेकिन इन बड़ी इमारतों की नींव लोगों के सपनों को कुचल कर बनाई गई है। कितने ही ऐसे खरीदार होंगे जिन्होंने यहाँ रहने के लिए अपने सपनों को मारकर यहाँ अपनी जीवन भर की कमाई लगाई होगी, लेकिन उनके पैरों तले उस वक्त जमीन खिसक जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि ये बिल्डिंगें अवैध हैं। जिन प्रॉपर्टी डीलर्स और बिल्डर्स ने उन्हें ये जमीन ये जगह बेची, वो डीलर्स नहीं बल्कि भू माफिया है। न्यू कॉलोनी में 70 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, सभी में नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है और भू माफियाओं के दिलों में बिल्कुल भी डर नहीं। ये भूमाफिया इसलिए धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें नगर निगम की भी शह मिल रही होगी। अगर नहीं तो फिर जिन निर्माण पर रोक लगाई गई थी वहां निर्माण कैसे शुरू हो गया? जहां एक तरफ नगर निगम गुरुग्राम अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने जा रही है, उसी के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर, भू माफिया और बिल्डर अवैध निर्माण कर रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में, जहाँ सैकड़ों ऐसी इमारत बन रही है जो नियमों की धज्जी उड़ा रही है और साथ ही साथ उनके नक्शे में कुछ होता है और धरातल पे कुछ नजर आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नगर निगम गुरुग्राम के जो अफसर हैं, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत भी इसमें देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से नक्शा पास होता है और जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, ये पहला मामला नहीं है गुरुग्राम में। इससे पहले भी ऐसी काफी इमारतें गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं जो ये इमारत है इसमें करीबन कितने फ्लोर बनाए गए। जब अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने भी अवैध निर्माण की बात कबूली। उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायतें मिली हैं जिस पर कार्रवाई की जाएगी। बात को तो नहीं कह सकते, पर ये है कि कुछ ऐसे मुद्दे हमारे सामने आए हैं जिनको हमने सील किया था, उनको डीसील कर दिया गया, उसकी हमने तुरंत FIR करा दी गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक आध ऐसे मुद्दे होते हैं जो रात को डीसील कर लेते हैं, पर हम तुरंत उस पे नेक्स्ट डे हमारी पुलिस में FIR हम कराते हैं और एक्शन लिया जाता है। कुछ डिमोलिशंस भी हमने किए हैं, अभी 15-20 डिमोलिशन किए हैं लास्ट वीक। 900 मीटर के दायरे में भी हमने 25-30 डिमोलिशंस किए हैं, वहां भी हमने टीम को 3 गुना कर दिया गया है, 2 एक्शन भी बढ़ाए गए। तो हमारी कार्रवाई जारी है और इसको थोड़ा सा और स्पीडअप करने के लिए तत्पर। इन अवैध निर्माण को लेकर एक सवाल और बना रहता है कि आखिर जो नक्शे में होता है धरातल पर इमारत में उससे अलग कैसे हो जाता है और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो इस पर ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि ऐसी बिल्डिंगों पर कार्रवाई की जाती है और आगे भी की जाएगी। हमारी टीम वहाँ विजिट करती है, हमने कई ऐसे नक्शे देखे हैं, वायलेशन हुई है, वहाँ हमने कंपाउंडिंग किया है, उस कंपाउंडिंग फीस ली है और अगर एरिया कंपाउंड नॉन कंपाउंडेबल है उसको डिमोलिश भी किया है। काफी केसेस आए हैं और काफी हमने पेनलाइज भी किया है लोगों को, डिमोलिशन भी की है। खबर सामने आने के बाद प्रशासन जागा है, कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर शिकायतों के बाद ही प्रशासन की नींद क्यों टूटती है, जबकि कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारियों की मिली भगत से ही ऐसे भूमाफियाओं को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन जो नियमों को ताक पर रखकर ये ऐसी इमारतें बनाई जा रही हैं और गुरुग्राम के जो जनता है या जो सेलर है या जो परचेज करते हैं इन प्रॉपर्टी को, उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। जिस तरीके से वो अपनी जीवन की तमाम जमा पूंजी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो अधिकारी प्रशासन के अधिकारी हैं वो आते हैं, उसके बाद इन बिल्डिंगों को सील कर दी जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये फिर जो काम है धड़ल्ले से चलता है। गुरुग्राम से कैमरामैन विनय के साथ संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। भूमाफिया पर शिकंजा कब, इस पर हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट पहुंचा रहे हमारे संवाददाता संजय राठौर इस वक्त सीधे जुड़े हैं। संजय, अभी आपकी रिपोर्ट में देख रही थी अवैध निर्माण और अब उस पर शिकंजा कसने की तैयारी,
समझ से बाहर है कि नींव की पहली ईंट भी अवैध तरीके से कैसे रखी गई, क्यों ना कहें कि निगम की मिलीभगत है। संजय आवाज पहुंच रही है आप तक? आप फ्रेम में ही हूं भाई, देखो। संजय सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक बार दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। भू माफिया को कानून का डर क्यों नहीं है? क्या किसी की शह पर यह सब हो रहा है? रसूख की तूती बोलते हुए यहां पर देखा जा रहा है क्या? इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। न्यू कॉलोनी में अवैध निर्माण, गैर कानूनी काम, ये अवैध निर्माण कैसे हुए? अब नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, अब अवैध निर्माण जो अभी पूरे नहीं हुए हैं उनको रोका जा रहा है। पहले कहां थे ये अधिकारी, निगम के लोग कहां थे? निगम पर मिलीभगत के आरोप, आरोप संगीन है, आरोप गंभीर है, तुरंत प्रभाव से कुछ कुर्सियां नहीं जानी चाहिए क्या? इतना अवैध निर्माण आखिर हुआ तो हुआ कैसे? या तो ये लोग कानून को कुछ समझते नहीं, कानून को धत्ता बताते हुए अपने ठेंगे पर लेकर घूमते हैं, ये कानून को प्रशासनिक लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर किसी की शह पर हुआ, वो शह देने वाला कौन है? क्या तुरंत प्रभाव से उसकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए? संलिप्तता जिस जड़ों तक जहां जहां भी पहुंची है, इस कड़ी में जो जो भी अधिकारी शामिल हैं, जिनकी भी संलिप्तता है, क्या उन पर तुरंत प्रभाव से एक्शन नहीं होना चाहिए? धड़ल्ले से जारी है अवैध निर्माण गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में, साइबर सिटी, और साइबर सिटी से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कानून को ठेंगा दिखाने वाली एक के बाद एक, वो ये दिखा रहा है कि यहां पर जो प्रशासन है वो कितना सजग है, कितना अलर्ट है, और लोग उससे कितना भय खाते हैं, कितना डरते हैं, वो साफ दिख रहा है। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। धड़ल्ले से गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहां पर अवैध निर्माण कार्य जारी है। निगम की नाक के नीचे अवैध निर्माण हुआ कैसे? क्या निगम ने आंखें बंद कर ली थी, आंखों पर पट्टी लगा ली थी, या फिर जानबूझकर यह अवैध निर्माण होने दिया गया? और अगर होने दिया गया तो क्यों होने दिया गया, क्या वजह रही, किसके शह पर यह काम हुआ, अवैध निर्माण हुआ, इलीगल है तो फिर हिम्मत भी किसी की कैसे हो गई यहां पर निर्माण कार्य को करवाने की? कई बिल्डिंगें बन चुकी हैं पूरी तरह से, वो रिहायशी हैं, वहां लोग रह रहे हैं जहां पर बिल्डर्स को नोटिस गया है। कई अवैध निर्माण अभी आधे या तकरीबन पूरा होने के कगार पर हैं, उनको भी अब नोटिस गया है। अब तक निगम के लोग कहां थे? क्या निगम सो रहा था? इसे कुंभकर्णी नींद आप नहीं कह सकते, इसे कहते हैं, एक कहावत आपने सुनी होगी कि सोए हुए को फिर भी जगाया जा सकता है, लेकिन जो खुद ही जाग रहा है और जानबूझ के आंखें मूंदे बैठा है उसको क्या जगाएं? लेकिन आज जगाएंगे, आज बहुत तबीयत से जगाएंगे कि थे कहां जनाब आप, धड़ल्ले से अवैध निर्माण हुआ कैसे। हमारे संवाददाता संजय राठौर से एक बार फिर हमने लाइव जुड़ने की कोशिश की है, सीधे जुड़ रहे हैं। संजय, इस बार आवाज मिल रही है आपको? संजय, भू माफिया पर शिकंजा को लेकर हमने ग्राउंड जीरो से आपकी रिपोर्ट देखी, मैं ये समझ नहीं पा रही हूं, और बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि निगम के लोग कहां थे कि इतना अवैध निर्माण यहां पर होता रहा। बिल्कुल अनामिका, जी बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी की मैं बात करूं, करीबन 70 से ज्यादा अवैध बिल्डिंगों का वहां निर्माण हुआ है, और साथ ही साथ जो धरातल पे जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया वो बिल्कुल नक्शे से विपरीत है। हालांकि नगर निगम में जाके नक्शे जरूर पास कराए जाते हैं, लेकिन धरातल पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही दूसरा होता है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की लापरवाही है, समय समय पर जो जेई एक्शियन या फिर एसडीओ की जो ड्यूटी लगाई गई है एरिए में, वो समय समय पर विजिट करते हैं, उसके बाद भी लॉकडाउन पीरियड के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जो बिल्डिंग है वो बन जाती है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी आंखें मूंदी हुई थी। और दूसरी बात करूं मैं अनामिका, जिस तरीके से सिर्फ न्यू कॉलोनी के साथ साथ अन्य गुरुग्राम के एरिए में
अवैध निर्माण चल रहा है, नगर निगम की तरफ से कार्रवाई करने की बात की जाती है लेकिन धरातल पर कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन कल जब हमने ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र कुमार से बात करी तो उन्होंने ये चीज स्वीकार की कि ऐसी हमारे पास शिकायतें आती हैं, हम एक्शन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो बाज नहीं आते, उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया, लेकिन एक्शन के बाद भी सील तोड़ दी जाती है, उसके बाद भी निर्माण किया जाता है और रात के समय में जो सीलिंग नगर निगम की तरफ से की जाती है उसके बाद उस सीलिंग तोड़ के निर्माण किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं या फिर बिल्डर हैं, भूमाफिया हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, कहीं ना कहीं उनकी बिना सहमति के ये कार्य होना संभव नहीं है। संजय, ये पचा पाने वाला जवाब नहीं है जो निगम की तरफ से दिया गया कि वो एक्शन लेते हैं, वो कार्रवाई करते हैं, वो सील कर देते हैं और बाद में सील तोड़ के अवैध निर्माण के कार्य को दोबारा शुरू किया जाता है और पूरा कर लिया जाता है। ये क्या बोल रहे हैं? ये अपनी लापरवाही को बेबसी का रूप देने में लगे हुए हैं निगम के अधिकारी। तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या निगम इतना बेबस है? फिर तो निगम की जरूरत ही नहीं है यहां पर, जब आपके आपकी कोई सुनता नहीं है, आपकी कोई मानता नहीं है। यह स्वीकार करने की बजाय कि आपके दामन पर जो दाग लगे हैं वो क्या सही है, आपके होते हुए हिम्मत कैसे हो गई अवैध निर्माण की, वो उल्टा ये कह रहे हैं कि हम बेबस हैं। निगम लिखित में देगा अपनी बेबसी की यह कहानी? जी बिल्कुल अनामिका, कहीं ना कहीं जो निगम के आला अधिकारी के कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है, जिस तरीके से जो भूमाफिया है वो बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं और उसके बाद एक फ्लोर पे दो फ्लैट की बात करते हैं लेकिन चार से छह फ्लैट वहां बना के सेल कर देते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी पूरी होती है, करोड़ों रुपए का इसमें खेल होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आला अधिकारियों के जो ये जवाब दिया है तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भरा है और ऐसे में जो एक्शन है वो जरूर लेना चाहिए। कल जब हमारी ज्वाइंट कमिश्नर से बात हुई उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि एक कमेटी उन्होंने जरूर बनाई है जिसमें 50 विधायक सुधीर सिंगला इस वक्त जुड़ गए हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बहुत आज हम भू माफियाओं पर शिकंजे को लेकर बात कर रहे हैं। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी की ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाते हुए बड़ी लंबी रिपोर्ट भी हमने चलाई। 70 से ज्यादा अवैध निर्माण यहाँ पर हुए हैं निगम के नाक के नीचे। तो जो अवैध निर्माण हुए हैं उनको नोटिस दे दिए गए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उनके पास नोटिस दिए गए हैं, फिर बाद में पहले सील करेंगे और सील के बाद अगर नहीं बनेगा तो उसको डिमोलिश करेंगे। इस पर निगम का यह कहना है कि हम कार्रवाई करते हैं, सील कर देते हैं, लेकिन लोग सील तोड़कर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। क्या निगम इतना बेबस है और यह लापरवाही? सर एक सेकंड, सुधीर सिंगला साहब, ये अवैध निर्माण का एक ईंट भी रखने में कामयाब कैसे हो गए? निगम कहाँ था तब? नहीं, ये लॉकडाउन का वजह से रहा है वो, और जैसे ही ये होगा उसके बाद जो है हम कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर सील करेंगे और सील के बाद डिमोलिश करेंगे और जो सील तोड़ेगा वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। निगम की लापरवाही को लेकर कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा? हाँ, उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे जी। कब एक्शन होगा? जरूर होगा। कब और क्या और, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अब जहाँ पे हमारे को लग रहा है कि भी ऐसा है कि भी निगम की लापरवाही है वहाँ पे निगम की कार्रवाई होगी वो, और जहाँ पर बिल्डिंग मालिकों की वो नेग्लिजेंस नजर आ रही है वो बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ होगी। 70 से ज्यादा अवैध निर्माण का हो जाना, उसके बाद बेबसी का रोना निगम की तरफ से, आपको सच में लगता है पचा पाने वाली बात है? आप ठीक है, एक संतोषजनक जवाब दे रहे हैं सिंगला साहब की कार्रवाई होगी, तुरंत प्रभाव से कुर्सी जानी चाहिए। नहीं, तुरंत ड्यूटी मतलब ड्यूटी ड्यूटी मतलब ड्यूटी है, लेकिन फिर भी जो कार्रवाई होगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये होगा कि नोटिस दिए गए हैं, नोटिस के बाद उनकी बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश करी जाएगी अगर नहीं मानेंगे तो, और उसके बाद निगम का अगर मिलता है कोई कारिंदा उसके अंदर तो उसको उसके ऊपर खिलाफ। अगर मगर का सवाल ही नहीं है ना सर, अवैध निर्माण हुए हैं, एक तो दीवार थोड़ी खड़ी की गई है सुधीर जी, अवैध निर्माण हुए हैं और सिर्फ लॉकडाउन की बात ना की जाए यहाँ पर, मात्र लॉकडाउन के भीतर 70 बिल्डिंगें नहीं बन सकती यहाँ पे। नहीं, वो तो लॉकडाउन के माध्यम से ये हुई है, जब इकट्ठी होती है तो इकट्ठी हो जाती है सारी बिल्डिंग्स वो तो वो, लेकिन लॉकडाउन को भी छोड़ के अगर निगम के आदमी इसके अंदर मिलेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जरूर कार्रवाई की जाएगी। आप ये भरोसा देते हैं हरियाणा न्यूज को? दोबारा जुड़ूंगी तो सर कार्रवाई को लेकर अपडेट पूछूंगी मैं आपसे। हाँ हाँ, जरूर 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 जरूर।
तो एक नजीर पेश करेंगे आप लोग कि ये निगम के अधिकारियों की अगर संलिप्तता हुई, आप कह रहे हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, यानी कि आगे से ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, है ना? नहीं 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 नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर जी वक्त देने के लिए और इस भरोसा के लिए। तो बड़ी बात यहाँ पर कहा है गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने। संजय राठौर, मैं आपके पास एक बार फिर से दोबारा से लौट कर आ रही हूँ। इन्होंने कहा, उसी पर थोड़ा सा फोकस मैं चाहूंगी आपसे, कि लॉकडाउन में ही ये सारी बिल्डिंगें बनी हैं, क्या ये सारे अवैध निर्माण लॉकडाउन के रहे? जी बिल्कुल अनमिक, मैं बताना चाहूंगी जिस तरीके के लॉकडाउन से पहले नक्शे, यानी कि जो नक्शे पास कराए गए थे, उसके बाद लॉकडाउन पीरियड में ये निर्माण स्टार्ट किया था। और इतने, यानी क्योंकि लॉकडाउन के भी 5 महीने निकले हैं, तो उसी के दौरान ये सारी इमारतें बनके खड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उससे पहले जो निर्माण थे वो भी फल फूल रहे थे। तो टोटल हम नगर निगम या फिर न्यू कॉलोनी एरिया की बात करें, करीबन 70 से ज्यादा इमारतें वहां खड़ी हो गई हैं। लेकिन नगर निगम के जो SDO हैं या फिर JEE की मैं बात करूं, एक्शन की बात करूं, वो धरातल पे आज तक वहां देखने तक नहीं गए। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बिल्डिंग को 3-3 बार सील किया कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी जब कल हरियाणा न्यूज की टीम मौके पे पहुंचती है तो उसके एक फ्लोर पे लेंटर लगा है। तो कहीं ना कहीं सीलिंग के बाद उस बिल्डिंग के ऊपर लेंटर कैसे डल सकता है, तो यह स्वीकारा ज्वाइंट कमिश्नर ने भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो कार्यशैली है उस पर जरूर एक सवाल निशान खड़ा होता है नामिका। बिल्कुल, और सवाल का जवाब तब तक ढूंढेंगे जब तक एक्शन नहीं हो जाता। संजय, एक ब्रेक का वक्त हो गया है यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद जो मैं पूछूंगी वो सवाल आपके पास छोड़ रही हूँ। क्या किसी भी बिल्डर से जो ये अवैध निर्माण कर रहे हैं, आपकी बात हुई हो नोटिस मिलने के बाद और उससे पहले, वो क्या कह रहे हैं, इस ये जानने के लिए लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम भू माफिया पर शिकंजे को लेकर बात को आगे बढ़ाएंगे। कड़े नियम कायदों के बावजूद भी, कड़े कानूनों के बावजूद भी, गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में धड़ल्ले के साथ अवैध निर्माण कार्य का होना, नोटिस दिए जाने के बाद, बिल्डिंगें सील किए जाने के बाद भी उन पर लेंटर का डाला जाना, उनमें अवैध निर्माण कार्य को आगे भी जारी रखना, कहीं ना कहीं ये इशारा करता है, इस ओर इंगित करता है कि इन अवैध निर्माण करने वाले भूमाफिया और निगम के अधिकारियों के बीच कोई तो साठगांठ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बिल्डिंग को कोई सील कर दे, आपको नोटिस मिल जाए कि अगर आपने इस कार्य को और आगे बढ़ाया तो हम ध्वस्त कर देंगे, पूरा का पूरा मकान ही नीचे गिरा देंगे, जमींदोज कर देंगे, और उसके बाद भी कार्य जारी रहे? क्या कानून को ठेंगे पर लेकर ये लोग घूम रहे हैं, कानून को धत्ता बताते हुए? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी की है। निगम की कार्यशैली पर बड़ा सवाल, जिसे लेकर ब्रेक पर जाने से पहले गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला ने हरियाणा न्यूज को यह भरोसा दिया कि बहुत जल्दी एक्शन लेंगे अगर किसी ने सील किए जाने के बाद भी, नोटिस दिए जाने के बाद भी काम को आगे बढ़ाया है तो जमींदोज किया जाएगा उनके अवैध निर्माण को, और साथ ही जो जरूरी एक्शन होगा वो निगम के उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों के खिलाफ भी लिया जाएगा जिनकी लापरवाही का ये नतीजा है अवैध निर्माण। हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर MCG से जितेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। कुमार साहब, बहुत स्वागत है रेडा न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद मैडम। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर हम बात कर रहे हैं। सबका ये कहना है, जो दिख भी रहा है, कि बिना निगम के साठगांठ के ये हो नहीं सकता था। ये इस बारे में मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे हर जोन में इन्फोर्समेंट की टीम गठित की हुई है, जो एक SDO के नेतृत्व में और उनके साथ 2-3 JEE होते हैं और फील्ड स्टाफ भी होता है। वो समय समय पर हर जगह जहां अवैध निर्माण की हमें शिकायत मिलती है पब्लिक से या अपनी उनकी चेकिंग के द्वारा मिलती है, उनको तुरंत हम शोकॉज नोटिस देते हैं। 7 दिन के लिए उनको हम अपियरेंस का टाइम देते हैं। अगर कोई पक्ष रखना चाहता है अपना, लीगली HMC एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो उसका हम पक्ष सुनते नहीं। अगर हम डिमोलिशन ऑर्डर जारी करके हम सख्त कार्रवाई करते हैं। इसके बाद भी 70 से ज्यादा अवैध निर्माण कैसे संभव है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल इस पे रोक लगी है, आप देख रहे होंगे। नहीं लगी ना सर, अभी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमारे संवाददाता लगातार दिखा रहे हैं। बिल्डिंग सील किए जाने के बाद भी लेंटर का काम जारी था, वहाँ पे डाल दिया गया लेंटर। हमारे पास काफी ऐसी शिकायत आई थी जिनको डीसील कर दिया गया, उनकी FIR हमने की हुई है, FIR लॉन्च की हुई है। उनके बिल्कुल नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, FIR लॉन्च की हुई। चले तो मतलब स्वीकार रहे ना कि ये सब हो रहा है? नहीं मैम, स्वीकारने वाली बात बिल्कुल नहीं है हमारी। क्यों टीम नहीं बिल्कुल है फिर FIR क्यों किया आपने? हुआ है तभी तो किया आपने। बिल्कुल मैम, अगर डीसील बिल्डिंग हुई है तो उसकी बिल्कुल FIR की है हमने। तो इसमें हमने क्या देखा निगम है का डर नहीं है इन लोगों के जहन में? कानून का डर नहीं है? ये कुछ भी करेंगे न्यू कॉलोनी में?
नहीं मैम, बिल्कुल FIR हुई है, बिल्कुल डर का माहौल बना है डीसील करने के लिए। आपने पिछले दिनों भी देखा सदर बाजार में भी हमारी काफी सीलिंग हुई थी, तो डीसील करने के लिए लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया, किसी ने अपने आप नहीं की डीसील, तो बिल्कुल हम FIR कर रहे हैं उसका। आप जो मुझे हिरारकी समझा रहे हैं ज्वाइंट कमिश्नर साहब, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही अच्छे तरीके से जो कार्य है वो किया जा रहा है, लेकिन कार्यशैली को लेकर फिर सवाल क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो आपको एक्शन लेना ही था, एक्शन तो लेना बनता था सर, आपको एक्शन लेना ही था, ये तो मजबूरी थी। पहली ईंट कैसे अवैध निर्माण की रख दी गई, निगम तब कहाँ था? बिल्कुल मैम, बिल्कुल एज पर रूल एक्शन लिया जा रहा है और आगे और भी सख्ती। पहले कहा थे जितेंद्र कुमार, आने वाले वक्त में तो सख्ती दिखानी पड़ेगी सर, क्योंकि मुझे भी मैडम आए हुए करीब 1.5 महीना हुआ है। अच्छा। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, करीब 30 से 40 बिल्डिंग जो हम अवैध है उनको हम डिमोलिश कर चुके हैं। तो 1.5 महीना पहले जो थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उनसे पूछूं? नहीं, ये बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल नहीं है मैडम, बिल्कुल सबने अपना काम बिल्कुल पूरी तरह पूरी मुस्तैदी से किया है। मुस्तैदी होती तो कमाल करते हैं सर, मुस्तैदी होती तो 70 अवैध निर्माण हो जाते, थर थर कांपते नहीं ये लोग? नहीं मैम, अभी बिल्कुल इसका असर आएगा, बिल्कुल आपको देखो नेक्स्ट वीक भी आपको जितनी भी अवैध निर्माण हो हमने कुछ लिस्ट बनाई है उनके बिल्कुल करेंगे और आपको देखने में भी असर आएगा पूरी तरह। ज्वाइंट कमिश्नर साहब, कब जुड़ू नेक्स्ट वीक में आपके साथ अपडेट के लिए? बिल्कुल आप नेक्स्ट वीक में आज के दिन ही जुड़ सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं आपको आज के दिन इसी वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि क्या एक्शन लिया आपने। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद। ज्वाइंट कमिश्नर ने भी भरोसा दिया है कि भूमाफिया को छोड़ेंगे नहीं, अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि हो कैसे गया, साठगांठ नहीं थी तो और क्या। जरूर कहा है विधायक बाबू ने यहाँ पर कि हम एक्शन लेंगे अगर निगम का भी कोई कर्मी लिप्त पाया गया तो, लेकिन एक्शन क्या होता है? ऐसा नहीं है कि हरियाणा न्यूज ने एक सवाल उठाया और छोड़ दिया, खबर के असर तक लगातार बने रहेंगे और ये हिमाकत नहीं होने दिया जाएगा। इस पर निगरानी रहेगी हरियाणा न्यूज की कि आप कानून को अपनी जेब में लेके घूमेंगे और कानून का आपको भय मात्र नहीं रहेगा। अपडेट के साथ लौट कर आते रहेंगे, फिलहाल यही रुकना होगा, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।